Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. सूत्र कृतांक सूत्र में प्रभु वीर की स्तुति करते हुए छठे अध्याय में ये गाथा आई, दानान सिद्धम अभय पयाणम। दानों में श्रेष्ठ है अभय को प्रदान करना, अभय देना। सच्चे सुवा अनवज्यम वयन्ति, सत्यों में श्रेष्ठ है अनवद्य वचन। तवे सुवा उत्तम बंबचेरम, तपस्याओं में श्रेष्ठ है उत्तम ब्रह्मचर्य। लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते, लोक में उत्तम है समण ज्ञात पुत्र। इन चार पंक्तियों का शब्दार्थ तो बहुत ही सरलता से समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हम इन चारों ही पंक्तियों के भाव अर्थों में प्रवेश करें और इनको अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, तो हमारी जीवन शैली इन चार पंक्तियों के मार्गदर्शन में कैसी होगी, क्यों ना हम इसको जान लें। जानना श्रेष्ठ रहेगा ना, जाने बिना जीना कैसे आएगा। जानेंगे तभी तो जीना आएगा। तो पहला पद, देना हो तो क्या देना, अभेदा। प्रश्न यह है कि क्या हम लगातार दे रहे हैं, क्या हम लगातार दाता बने हुए हैं। सोच के जवाब देना, नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा एक भी पल नहीं है जबकि हम दे ना रहे हो और ले ना रहे हो। जब तक इस देह में हमारी जीवन यात्रा है तब तक लेन और देन का सिलसिला श्वास की गति के साथ चालू है। कैसे? श्वास ले रहे हैं, श्वास वापस छोड़ भी तो रहे, ले भी रहे और दे भी रहे हैं। पूरे आकाश में मौजूद, ब्रह्मांड में मौजूद प्राण वायु को हम ग्रहण कर रहे हैं और वह प्राण वायु हमारे शरीर में से गुजर करके पुनः पूरे मस्तिष्क में सब जगह गुजर करके बाहर निकल जाती है। जब वो भीतर जाती है तो वातावरण को अंदर लेके जाती है, और जब बाहर निकलती है तो बाहर भीतर के वातावरण को लेकर बाहर निकलती है। उस प्राणवायु के साथ हमारे भीतर के परमाणु भी गति करते हैं, और अगर हमारे भीतर के परमाणु भय के भावों से आविष्ट है, चिंता के भावों से आविष्ट है, दुख के भावों से आविष्ट है, क्योंकि जैसे भाव उन्हीं भावों का रंग हमारे इस शरीर के भीतर बाहर परमाणुओं पर व्याप्त होता है। यह ठीक ऐसे ही होता है जैसे कि सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर यह पृथ्वी के सारे पदार्थ हमें दिखलाई पड़ते हैं। तब सूर्य की किरणों के प्रभाव से इन पृथ्वी के अंदर मौजूद पदार्थों में से रंग बाहर प्रकट होते हैं। जो रंग प्रकट हो रहे हैं वो सूर्य की किरणों के प्रभाव से हमारे ऊपर उसका जो परिणवन होता है उससे रंग पैदा होते हैं। हरे पेड़ हरे क्यों, काली वस्तुएं काली क्यों,
नीली वस्तु है नीली क्यों, पीली वस्तु है पीली क्यों, कुछ फूल पीले हैं, कुछ गुलाबी है, कुछ जामुनी है, कुछ लाल है, कुछ सफेद है, फूलों में ये रंग कैसे आया? सूर्य की किरणें उन पर गिरी और तब क्या हुआ, उन पौधों ने, उन वनस्पतियों ने उस किरणों को ग्रहण किया, लेकिन ग्रहण करते वक्त सातों किरणों को ग्रहण किया, छोड़ते वक्त उन्होंने अपने भीतर के परिणमन के बाद जिसको बाहर छोड़ा, जिसको उन्होंने बाहर छोड़ा, वह कलर उन वनस्पतियों का बन गया। हरे पेड़ हरे इसलिए है क्योंकि वे हरे रंग को बाहर छोड़ देते हैं, बाकी के रंग को अपने भीतर अवशोषित कर लेते हैं, बाकी के रंग वो पचा गए, हरा रंग नहीं पचा पाए, छोड़ दिया तो पौधे हरे हो गए। जिसने लाल रंग छोड़ दिया वे फूल लाल हो गए। जिसने सारे कलर पचा लिए, समानुपात में ढाल लिए, वे सफेद हो गए। और जिसने सारे ही कलर अवशोषित कर दिए, कोई भी बाहर नहीं छोड़ा, वे काले हो गए। लेना भी और छोड़ना भी, जो छोड़ा गया वह बाहर प्रकट हुआ, जो छोड़ा गया वह इस प्रकृति को दान हुआ। अब हमारे भाव जो निकल रहे हैं वो छोड़े जा रहे हैं, हमारे भाव जिस रंगों से छोड़े जा रहे हैं वे रंग प्रकृति में दान बन रहे हैं। हम प्रकृति के सारे रंगों को ले रहे हैं, पृथ्वी को, पानी को, अग्नि को, हवा को, वृक्षों को, हम पंच महाभूतों को सतत ग्रहण कर रहे हैं। और फिर वापस अपनी जाति सांस के साथ छोड़ रहे हैं, छोड़ते विचारों के साथ छोड़ रहे हैं, भावों के साथ छोड़ रहे हैं, दृष्टि के साथ छोड़ रहे हैं। हमने किसी पे नजर डाली, जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, यह भी दृष्टि गई ना, दृष्टि गिरी ना, यह दृष्टि का दान कहलाता है। इसीलिए देखो ना, जब हम गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं तो क्या कहते हैं, गुरुदेव बस नजर मेहर कर दो, नजर मेहर कर दो, यानी अपनी दृष्टि, दयालुता पूर्ण दृष्टि मुझ पर डाल दो। आपके भीतर जो दया के भाव है ना, वो दया के भाव से भरी दृष्टि अगर हम पर गिर जाए, हमारा कल्याण तो हो जाएगा। और जब तक गुरु हम पर नजर ना डाले, हम पर दृष्टि ना डाले, तब तक हमें चैन पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। जैसे ही गुरु ने नजर डाल दी, हमारी कितनी लंबी यात्रा सफल, गुरु ने दृष्टि दी ना, हमने उनसे दृष्टि पानी चाही। तो प्रश्न ये था कि क्या हम दे रहे हैं? जी हाँ, हम लगातार दे रहे हैं, छोड़ती सांस दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, भावनाएं दे रहे हैं, दृष्टि की तरंगे दे रहे हैं, सतत हमारे द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन क्या दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है वो किस क्वालिटी का दिया जा रहा है? जो हमसे दान हो रहा है वो कैसा है, किस स्तर का है, किस प्रकृति का है, किन गुणों और विशेषताओं को अपने में धारण किए हुए है? कई बार आप अपने मित्रों से मिलने जाते हो, कोई बीमार मित्र है तो उनका हालचाल पूछने जाते हो, और जब आप किसी बीमार मित्र के पास बैठते हो उसका हालचाल जानने के लिए, तो उसकी जो सांस निकलती है वो आपको छूती है और आप कहते हो, इतनी दुख भरी सांस क्यों छोड़ रहे हो, इतनी दुख भरी गर्म सांस क्यों छोड़ रहे हो,
भाई साहब, आपने अपने हृदय में कितना दुख इकट्ठा कर रखा है। कहते हो ना, दुखी आदमी अपनी सांस में भी दुख छोड़ रहा है, परेशान आदमी, चिंताग्रस्त आदमी, उसके पास भी जाके बैठोगे ना तो उसके भीतर से निकल रहे विचार, भावनाएं, चिंता की तरंगें, वो बाहर निकलती जा रही है और आपको प्रभावित कर रही है। और इसीलिए देखो, जब आप परेशान और चिंतित व्यक्ति के समीप बैठते हो 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, और जब बाहर निकलते हो, आप अपने आप को कैसा महसूस करते हो? एनर्जेटिक या थका हुआ? थका हुआ। और अगर एक दिन में आप ऐसे 5-7 मित्रों से मिल लो ना जो कि किसी न किसी दुख दुविधा से ग्रस्त है, डेथ बेड पे पड़े हैं, या हॉस्पिटलाइज है, या कर्जे में डूबे हुए हैं, या अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, और आप उनके पास आधा आधा घंटा भी स्पेंड करो ना, घर लौटते हुए आपको लगेगा जैसे बहुत कुछ ज्यादा श्रम कराए हो और इतना थक गए हो कि अब आपके शरीर को इस थकान को मिटाने के लिए विश्राम चाहिए, मस्तिष्क बहुत भारी हो गया आपका। यह अनुभव आपने किया है, हम सब ने किया होगा। यह अनुभव क्या बता रहा है कि जिन लोगों के पास हम गए थे, उन सारे लोगों ने हमें दुखों का दान कर दिया, दुखपूर्ण तरंगों का दान कर दिया, चिंताग्रस्त तरंगों का दान कर दिया, है ना। अब सपोज आप बहुत प्रेमी हो, उत्साहित हो, प्रफुल्लित हो, जीवन को देखने का नजरिया आपका सकारात्मक है, कुछ अलग ही तरीके का है, आप किसी भी घटनाओं में गुणों को खोज सकते हो, दुविधा में मौजूद सुंदर अवसरों को पहचान सकते हो, क्योंकि हर दुविधा के क्षणों में भी बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज रखी हुई होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक आदमी जो हॉस्पिटल में आईसीयू में है, अभी कोई उससे मिल नहीं सकता, उसके भी भीतर अगर समता का संस्कार है, अभ्यास है, तो वह हॉस्पिटलाइज होते हुए भी एकांत क्षणों में आत्म ध्यान कर सकता है, धर्म ध्यान कर सकता है, 12 भावनाओं में से कुछ भावनाओं को भावित कर सकता है, अशुचि भावना भाव सकता है, लोग कह रहे हैं वो बीमार है, हकीकत है कि उसका शरीर बीमार है, पर वस्तु स्थिति यह है कि उसकी आत्मा समाधि में है, समता में है। हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना। तो संभव है कि आप बहुत प्रफुल्लित हो और ऐसे व्यक्ति से मिलने जाओ और उस व्यक्ति को प्रेरणा भरी बातें सुना कर आओ, ऐसे किस्से, कहानियां प्रेरणा के सुनाओ, आनंद के सुनाओ, दुविधा में भी सुंदर अवसर देखने की कला के सुनाओ। आप तो वहां से चले गए, लेकिन बीमार आदमी जितना लाभ दवाइयों से और भोजन की सामग्री से नहीं प्राप्त कर पा रहा था, उससे कई गुना ज्यादा लाभ उसको आपकी कंपनी ने दे दिया। आपकी 15-20 मिनट की कंपनी ने उस आदमी की बीमारियों को भुला दिया, उसे जिंदगी से प्रेम करना सिखा दिया, उसे प्राणों में ताजगी भर दी। आप तो लौट गए, लेकिन वो आदमी चलता फिरना स्टार्ट कर दिया, खड़ा हो गया, जो बेड पे था वो चलने लग गया आपकी प्रेरणाओं से, आपके हृदय की उदारताओं से, आपकी भावनाओं से, आपके शब्दों से, आपकी दृष्टि से। आपकी दृष्टि उस पर इतने प्रेम से भरी गिरी, आनंद से भरी गिरी, कि उसके भीतर में अपनी परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं का भय समाप्त हो गया। जो डर था उसके मन में
बच्चों का क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, उसको सारा डर ही खत्म हो गया आपके मिलने के बाद में। ऐसा हुआ है कभी? आप समाज में रहते हो, हर थोड़े दिनों में आपको किसी न किसी व्यक्ति के बीमारी की साता पूछने जाना पड़ता है, किसी न किसी घर की परेशानियों के बीच में आपको बुलाया जाता है, भाई साहब आप आके बैठो, कुछ तो भी निर्णय दो कि घर की ये संकट समस्याएं, आपसी कलह क्लेश समाप्त हो जाए। लोग आपको बुलाते हैं ना, और आप जाते भी हो। और कुछ नहीं तो सुबह से शाम तक मैंने जाने कितने रिश्तेदारों और लोगों से मिलते हो, दोस्तों से मिलते हो। अभी स्थानक में आए तो यहां भी आपको 150 लोग मिल जाते हैं। देखना यह कि आप जिनसे मिले आपने उनको दिया क्या, दिल का प्रेम, सहज विश्वास, आत्मीयता भरा स्पर्श, प्रेरणा भरे वाक्य, जीवन में एक ऊर्जा का प्रवाह क्या दिया। अब आप कहोगे मैं तो कुछ देता ही नहीं हूं। देता ही है हर आदमी, आप पैसा नहीं दे रहे हर आदमी को, आप पैसा नहीं दे रहे हो हर आदमी को, आप भोजन भी नहीं दे रहे हो हर आदमी को, आप कपड़े भी नहीं दे रहे हो हर आदमी को, आप मकान भी नहीं दे रहे हो और उनको जरूरत भी नहीं है। मकान उस आदमी ने बना रखा है अपना, कपड़े उसके पास पहनने के लिए है, खाने के लिए वो जुटा चुका है साधन, उसको उन चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हमारे से मिलने वाला हर व्यक्ति प्रेम प्रेरणा आनंद पुलक पुलक का एहसास प्राप्त करता है कि नहीं करता? अगर नहीं करता है तो दानान सेठम अभय पयाणम हमारी जिंदगी में नहीं आया। आया क्या? हाँ, कैसे दोगे अभयदान? आप क्या सोचते हो वो संवत्सरी आएगी, जीव दया के पैसे इकट्ठे करोगे और उन पैसों को बकरे खाने में ले जा करके वो कसाई को बोलोगे तू यू कर 150 बकरे छुड़वा दे, हर एक बकरा के जो 2,000-5,000 रुपए लगते हैं वो मुझसे ले ले। हो गया अभयदान? जैन समाज में बहुत लंबे समय से अभयदान करने का मतलब बकरा अमर करवाना, पशु पक्षियों को चारा डालना, बस इतना ही रह गया। कत्ल में जाती गायों को छुड़वा कर गौशाला में बांध करके रख देना, इतना ही रह गया। अभयदान के मायने हमारे पास कैसे बन के रह गए? और जरा सोचो, आपने जिस कसाई को बोला कि ये 50 बकरे अमर कर दे, इसको मत मारना, हर एक बकरे का आपने उसको 5,000 रुपये 7,000 रुपये जो आजकल डिमांड बढ़ती जा रही है उनके आपने पकड़ा दिया उसको, क्या वो कसाई कसाई खाना बंद करेगा, कसाई का व्यापार करना बंद करेगा? क्या उन रुपयों को प्राप्त करके वो अहिंसक बन जाएगा? बनेगा क्या? आपके पास अगर कोई रुपए दे तो आप उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या खाली पड़े रखते हो? जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, वो भी तो एक बिजनेसमैन ही है, वो क्या करेगा? वो उन पैसों से और नए अपने लिए बकरे खरीदेगा, इन बकरों को छोड़ेगा, नए बकरे खरीदेगा, उसकी मति थोड़ी पलटी है, पलटी क्या? बुद्धि पलटी नहीं, भावना पलटी नहीं, संस्कार पलटा नहीं, शिक्षा आई नहीं। जब तक सोच नहीं बदली, हमने किसको अभय किया? सोचो तो सही, जिसको बचाया वो तो आज नहीं कल मरेगा, वो उन बकरों को आपको पकड़ा देगा, नए बकरे ले लेगा, उन बकरों को भी आप कहां ले जाने वाले? आप तो वहीं देने वाले हो कि वहीं रख, बस मारना मत, खाना खिलाना, आज नहीं कल मारेगा। और नहीं भी वो मारे तब भी उनकी मृत्यु तो निश्चित ही है, क्योंकि जीवन जिसका उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन भय कब गया? बिना ज्ञान के भय जाता है क्या? बिना प्रेम के भय जाता है क्या? बिना सद्प्रेरणाओं के भय जाता है क्या? जीवन में सच्चा आत्मीय प्रेम मिले बिना आदमी का भय नहीं जाता, और वो बकरों को आपसे नहीं मिल रहा। तो किसको आपने अभयदान दिया?
सोचो तो सही, पर न जाने कैसे हम इतने वो बुद्धिमान पुरुष कहलाते हैं, लेकिन अभय दान के नाम पर हम कुछ पैसों का चंदा इकट्ठा करके उसको किसी ऐसे स्थलों पर खर्च करके अपने आप को अभय दाता घोषित कर देते हैं। सोचो तो सही, अभय दान के क्या मायने। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते कि जीव को अभय दान दो ही तरीकों से मिल सकता है। पहला, सम्यक ज्ञान हो तो व्यक्ति भय मुक्त हो। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं मिलता तब तक हम भय से मुक्त नहीं हो सकते। सम्यक ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान और ज्ञानी की परियुपासना करने से सम्यक ज्ञान मिलता है। जब हम किसी ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में बैठते हैं ना, उनकी वाणी से भी हमें सम्यक ज्ञान मिलता है। कदाचित वे मौन में विराजमान हो तब भी उनके मौन आभावलय से भी हमें सम्यक ज्ञान मिलता है। अगर हम शांति से उनकी उपासना करने बैठ सके, उनका हमारे सम्मुख होना ही हमारे चेतना की प्राण धारा को दिशा परिवर्तित कर देता है, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बना देता है। कैसे मिला सम्यक ज्ञान? ज्ञान और ज्ञानी के पास बैठने से। ज्ञानी की वाणी से, ज्ञानी की दृष्टि से। कदाचित ज्ञानी हर वक्त ना मिले तब भी उनकी ज्ञानमय वाणी के सूत्र हमें मिलते हैं, पुस्तकें हमें मिलती है। कितने लाखों लाखों लोगों की जिंदगी ज्ञानियों के अनुभव पूर्ण वचनों की पुस्तकों को पढ़ने से बदल जाती है। आज दिन तक बदली है, आगे भी बदलेगी। एक एक किताब आदमी की जिंदगी को पलट के रख देती है। ऐसी बड़ी किताबें हैं जिनको पढ़ करके आपको जीने का सही तरीका आता है, सोचने का सही तरीका आता है, बोलने का सही तरीका आता है। और वो ज्ञान आपको अपनी भीतरी कमजोरियों से मुक्ति दिलाता है। तो उस ज्ञान ने आपको अभयदान दिया, दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? दिया ना। पर हम में से कितने लोग ऐसी पुस्तकों को खोजते हैं, पढ़ते हैं, प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारते हैं, अथवा अपने अनुभव ज्ञान से आह्लादित होकर के उन पुस्तकों को दूसरों को रिकमेंड करते हैं, उनको अवेलेबल कराते हैं, और ऐसे ज्ञानी पुरुषों के वचनों को जनमानस तक फैलाने के लिए अपना सहयोग देते हैं। चाहे वो सहयोग पुस्तकों को छपवाने का हो, चाहे वो सहयोग पुस्तकों को घर घर तक पहुंचाने का हो, चाहे वो सहयोग किसी बीमार मित्र को एक अच्छी पुस्तक गिफ्ट के रूप में देने का हो जिसको पढ़ करके उसकी बीमारी दूर हो जाए। क्योंकि हर आदमी के वचनों में वह सामर्थ्य नहीं होता कि वो समझी हुई बात को वापस व्यक्त कर सके। आपको बहुत चीजें समझ में आ गई लेकिन कोई दूसरा पूछे आप नहीं समझा सकते। आप कहते हो मुझे आई समझ में, पर मैं कह नहीं सकता, बतला नहीं सकता। उसके दुख दर्द को मिटाने की क्षमता मेरे पास नहीं है, लेकिन एक पुस्तक है मेरे पास, मैं वो पुस्तक इनको दे देता हूं। इस पुस्तक को पढ़ करके इस आदमी के जीवन की राह बदल जाएगी। और आपने किसी ऐसी पुस्तक को छपवाया, खरीदा, सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया और उसके दुख दर्द को, तनाव को दूर करने में, उसकी जिंदगी की पीड़ाओं को मेटने में उस पुस्तक ने बहुत बड़ा रोल निभाया, तो वह व्यक्ति जो पुस्तक पढ़ के तिरा वो तो तिरेगा ही, साथ साथ आपका अपना भी ऐसा पुण्यानुबंध पुण्य बनेगा
कि जिंदगी की राह में कभी आप फिसलने लगोगे तो संभालने वाले निमित्त आपको मिलेंगे। सही लोग हाथ पकड़ने के लिए खड़े मिलेंगे। आपके डिप्रेशन के क्षणों में आपको उल्लास और प्रेम देने वाले लोग आपको मिलेंगे। और ऐसे बहुत अनुभव हमने देखे। एक आदमी दिल से ज्ञान पूजा करता, ज्ञान सेवा करता, खुद ज्ञानियों की जब मौका मिलता तब उपासना करता और ज्ञानियों के वचनों को घर घर तक पहुंचाने में सहयोगी बनता था। उस एक व्यक्ति की मैं कहानी आपको बता रही हूं। मेरठ के निवासी है, हमने देखा उनको। उनका जवान बेटा कहीं घूमने के लिए गया आउट ऑफ इंडिया पत्नी के साथ और किसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। तीन बेटियों के बाद एक बेटा, सबसे छोटा, जवान, करोड़ों की संपत्ति का हकदार और बहुत योग्य, शालीन, कुलीन, इंटेलिजेंट और इस तरह से पिता का सहारा और छूट गया, माता है नहीं। उस आदमी को कितना दुख हुआ होगा सोचो, कितनी चिंताएं पीड़ाएं उसके सामने होगी कि उसकी घर में जवान विधवा बहू है। लेकिन जिसने दिल से ज्ञानी की सेवा की हो उसका परिणाम क्या होता है। उधर बेटे की डेथ हुई, डेथ बॉडी घर में आए उसके पहले ज्ञानी पुरुष का संयोग से उन्हीं व्यक्ति के घर में आना हुआ और ज्ञानी पुरुष का घर में आना हुआ, एक तरफ दुख की सूचना और दूसरी तरफ ज्ञानी पुरुष का पदार्पण। वो व्यक्ति दुख के मारे खुद हार्ट पेशेंट बन सकता था लेकिन ज्ञानी पुरुष की सतत सानिध्य और वाणी ने, वचनों ने घर में उस श्रावक की और उसके सारे ही परिवार के लोगों की सोच की दिशा बदल डाली। उन सब लोगों को आत्मा की अजड़ता, अमरता का अनुभव कराया और ज्ञानी पुरुष के अतिशय से उस श्रावक को और उसकी बहू को उस मृत पुरुष की चेतना से संपर्क तक ज्ञानी पुरुष ने करा के दिया और कहा कि देखो सुनो वो क्या कहता है। और उसने कहा कि मैं जहां हूं ठीक हूं, दुख मत मनाना। अब मरे हुए व्यक्ति का अगर साक्षात्कार हो जाए अपने प्रिय का और वो कहे कि मैं ठीक हूं अब दुख मत मनाओ, कितना सुकून मिलता आदमी को, इससे बड़े बात क्या होगी। ये इतना बड़ा उनकी जिंदगी में संबल, क्या आवेदन नहीं था? उस श्रावक को मिला हुआ आवेदन नहीं था कि जो दुख के क्षणों में भय के मारे खुद बीमार पड़ सकता था, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर सकता था, लेकिन उन क्षणों में उसको इतना बड़ा आवेदन मिला, प्रत्यक्ष ज्ञानी का सानिध्य मिला। हम सोचे कि ऐसा उनको क्यों मिला, कारण क्या था? उस व्यक्ति ने दिल से ज्ञानी पुरुषों की सेवा की, ज्ञानियों की वाणी की प्रभावना की, ज्ञान की आराधना की, तो उसको भय के क्षणों में अभय का दान मिला। क्योंकि उसकी वजह से कईयों को सम्यक ज्ञान मिला था, उसकी वजह से कईयों की जिंदगी के दुख तकलीफें दूर हुई थी। तो उसकी जिंदगी में अगर दुख आया तो तकलीफ दूर करने के लिए सद्गुरु का पदार्पण भी साथ के साथ हो गया। आप सोचो हमारी जिंदगी के कुछ पन्ने कैसे होंगे हमें नहीं पता। हो सकता है कुछ पन्नों पे बहुत टेढ़ी मेढ़ी लिखी रहे हो, कुछ पुराने निकाचित कर्म ऐसे उदय में आए कि आज समृद्धि के शिखर पे बैठे हो लेकिन कल किसी दिन रोना और पछताना भी पड़े। लेकिन उन क्षणों में भी आपको सही जीना आएगा अगर
सुख के क्षणों को आपने सदुपयोग किया हो। प्राप्त धन सुविधा और साधन से भौतिक सुखों के पीछे न गिर के ज्ञान और ज्ञानी के वचनों की आराधना करने में अपना तन मन धन का समर्पण किया हो वो अभयदान होगा। और यह अभयदान क्या लाएगा? जिंदगी की चिंताओं से मुक्ति। प्रतिकूलता के क्षणों में उपजी परेशानियों से क्षण भर में मुक्ति जो दिलाए उसका नाम है अभयदान। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहते ये अभयदान का एक प्रारूप है सम्यक ज्ञान, ज्ञान और ज्ञानी की सेवा और उपासना करना, ज्ञानियों की वाणी की प्रभावना करना, यह अभयदान है। दूसरा अभयदान का प्रारूप, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको ना ज्ञानी पुरुष का कभी सानिध्य मिला, ना कभी ज्ञानियों के वचनों को सुनने का सौभाग्य मिला, और ना ही कभी ज्ञानियों की पुस्तकें पढ़ने का भी अवसर मिला। ये उनके जिंदगी में भी अभयदान घटित होगा। कैसे घटित होगा? हम अपने आप को भी देखें, आज हम इस जीवन के इस स्तर पर है कि हम सत्संग करने के लिए आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमें समझदारी है कि हमें सत्संग करना चाहिए, पर हमारे जैसे और भी लाखों बंधु हैं जिनको कोई समझदारी इस तरह की नहीं है, रुचि भी नहीं है, तब भी अभयदान उनकी जिंदगी में कैसे घटित होगा? दूसरा तरीका है अभयदान का, प्रेम दान करना। जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमसे कभी भय नहीं खाता। जहां प्रेम है वहां वैर नहीं है, और जहां वैर नहीं है वहां कोई भय नहीं है। हर वक्त आप लोग ज्ञान और ज्ञानी की चिंतन मनन आराधना पूजन में नहीं रहते, लेकिन हर वक्त प्रेम के भावों में तो रह सकते हो ना। हमारी दृष्टि में प्रेम का वास हो सकता है ना? नहीं हो सकता? हमारे हृदय की भावनाओं में प्रेम का निवास हो सकता है ना? अगर हृदय की भावनाएं प्रेम से परिपूर्ण है, प्रेम से अप्लावित है हमारा दिल, तो हमारी दृष्टि में ऑटोमेटिकली ऐसी आत्मीयता विकसित होगी कि हमारे करीब कोई भी आए वो आनंदित होकर के ही जाएगा। हमारी दृष्टि का आनंद संक्रामक बन करके उनकी जिंदगी में भी आनंद को प्रकट आएगा। ऐसा संभव है या नहीं? है ना? चलो हम नहीं जानते ज्ञानी को, नहीं जानते ज्ञानी के वचनों को, कोई बात नहीं। प्रेम तो सब मनुष्य मात्र का स्वभाव है, प्राणी मात्र का स्वभाव है। उस प्रेम से भर के जियो। हर काम प्रेम से हो, हर बात प्रेम से हो, हर व्यक्ति से मुलाकात प्रेममय हो। जो भी जैसा भी मिले बस प्यार से ले। हमारी जिंदगी की भावना ऐसी बन जाए कि जो भी जैसा भी मिले बस प्यार से ले। पिताजी दिन भर के थके हुए घर में आए, माता ने खाना पका रखा था, थाली में परोसा, पिताजी खाना खाने लगे, बोले नहीं कि सब्जी में नमक नहीं है, रोटी एक पूरी जली हुई है, दूसरी पूरी कच्ची है, जैसा खाना खा लिया। उसके बाद माँ खाने बैठी, बेटा खाने बैठा, तो बेटा जोर से चिल्लाया, ये क्या सब्जी बिना नमक की, रोटियां जली कटी। माँ बोली, अच्छा सब्जी में नमक ही नहीं, तेरे पिताजी ने तो कहा ही नहीं था।
माँ ने पिताजी से पूछा, आपने सब्जी कैसे खाई? बोले, बड़े अच्छे से खाई, नमक तो था ही नहीं, स्वाद कहाँ से आया? अरे, तेरे प्यार का इतना बड़ा स्वाद इसके अंदर घुला हुआ था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा खाना। अब जो पिताजी के शब्द थे कि तेरे प्यार का एहसास इसमें इतना घुला हुआ था कि मुझे खाना बड़ा अच्छा लगा, माँ के अंदर का सारी पीड़ा, संताप, दुख, परेशानी खत्म। पिताजी कमरे में चले गए, माँ घर के दूसरे काम निपटा रही है, बेटा माँ के पास जाके, माँ बेटा पिता के पास जाके बोलता है, पिताजी सच बताओ यार, तुमको गुस्सा नहीं आया ऐसा खाना देख करके? दिन भर से थके हुए आए हो, एक ही टाइम तो आपको गर्म खाना मिलता है, सुबह डब्बा लेके जाते हो, कब खाते हो? ठंडा खाना खाते हो, वो एक ही टाइम तुमको गर्म खाना मिलता है, और माँ ने ऐसा खाना दिया, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, और आपको गुस्सा ही नहीं आया, आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे थे? पिताजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तू और मैं अगर अपना ही सुख देखेंगे और माँ को नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? माँ ने सुबह से शाम तक कितना घर संभाला है, काम किया है, बीमार होते हुए भी सबकी देखभाल की है, और हमारे लिए गर्मी में खड़े होकर के किचन में इतना खाना बनाया, भूल हो गई तो खाने के बारे में मैं कुछ भी कहता, उसको जो मानसिक कष्ट होता, उसको जो पीड़ा होती, वो पीड़ा कितनी बड़ी होती। और नहीं तो उसकी सारी थकान एक तरफ, और मैंने उसको दो शब्द प्यार के कहे, उसकी सारी थकान मिट गई, उसका गुस्सा चला गया, उसकी चिंताएं खत्म हो गई। वो दो प्यार के शब्दों ने अगर माँ को दुखों से दूर रखा तो कैसे शब्द नहीं बोलना, और कैसे शब्द बोलना झूठ होता है? बेटे को समझ में आया कि झूठ और सच का संबंध केवल यथार्थता से नहीं होता, वस्तु स्थिति का अध्ययन करके, भावनाओं का अध्ययन करके, सम्यक भावों का फैलाव हो सके, ऐसी बात कहना सत्य वचन कहलाता है। सच्चे सुवा अणवज्जम वयंति, सत्य भी ऐसा हो जो अनवद्य हो, जिससे किसी के जीवन में कोई कष्ट ना उपजता हो। इस तरह से बात रखी गई, प्रेम दिया गया, भय खत्म हो गया। इसकी जगह दूसरा आदमी होता, वो दृश्य सामने लाओ, वो खाने की थाली को उठा के फेंक देता, ले जाओ हटाओ यहां से, दिन भर कमाते हैं, ये करते वो करते, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, अपने घर में तुम करती क्या हो, खाली आराम करती हो, मौज करती हो, रानी बन के बैठी हो, खाना तक बनाना नहीं आता, एक आदमी को ढंग से खाना तक नहीं खिला सकती हो किस काम के इस घर के अंदर में, ये वो कुछ भी बोल सकता था ना। और उसके बोलने से क्या होता, उसकी पत्नी के प्राण संकुचित हो जाते, उसके भीतर भय व्याप्त हो जाता, वो अपने पति के साथ रहते हुए कोसों दूर रहती, कभी खुल करके अपनी बात नहीं कह सकती थी, उसकी संवेदनाएं मर जाती, और धीरे धीरे वो एकदम ठंडी बर्फ की शिला की तरह बन जाती, बस मरी मरी अपनी जिंदगी के दिन काट रही होती। ऐसे भी लाखों घर है जहां डर का माहौल छाया रहता है, जहां लोग खुल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, कई लोग तो प्रार्थना के भावों में दिन गुजारते हैं, बस आज का दिन किसी तरह कट जाए, भाई साहब गुस्सा ना करें, आज का दिन किसी तरह कट जाए, मेरे बेटे का मूड ठीक रहे, आज का दिन किसी तरह कट जाए, मेरी बहू नाराज होकर मायके ना चली जाए, और डर डर के दिन गुजार रहे हैं, हर दिन डर लगा रहता है कि कुछ बोला नहीं और बहू ने वो बात पकड़ करके कही, नई स्टोरी ना बना डाले। और आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता, लोग सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, घर पे पुलिस को बुला लेते हैं, सास बोलती है हुआ क्या था, ससुर बोलता है हमने ऐसा क्या कह दिया था, पुलिस घर में कैसे आ गई, बहू बोली ये लो वॉइस टैप है, आपने मुझे मजाक में कितना बड़ा कमेंट किया था, और कब उसके मोबाइल में टैप रिकॉर्डर ऑन था, उसने आपकी कौन सी कमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, और वो रिकॉर्डिंग कब उसने पुलिस थाने में जाके सुना दी, और पुलिस कैसे घर आ गई। लोग इतने डर के माहौल में जी रहे, कुछ भरोसा नहीं है,
करोड़ों करोड़ों रुपए तुम मुश्किल से कमाते हो और अपने एकाध इकलौते बेटे और बेटी की शादी में खर्च करते हो, वो करोड़ों रुपए तो गए, और थोड़े दिनों के बाद में पता लगता है कि बेटे की शादी की वो शादी फेल हो गई, बहू चली गई, बेटी की शादी करी वो शादी फेल हो गई, बेटी घर में आ गई, अब क्या करो, करोड़ों रुपए भी गए और इनकी जिंदगी का सुख चैन भी गया। सोचो ना जरा, जहां अभय का दान नहीं होता, जहां प्रेम का दान नहीं होता, जहां ज्ञान का दान नहीं होता, उस घर का क्या माहौल होता है, उस परिवार का, उस संघ का, उस समाज का क्या माहौल होता है। वो माहौल हमें नहीं चाहिए, वो प्रदूषित वातावरण हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना, दानान सिद्धम अभय पयानम। हे परमात्मा, मुझे ऐसी दृष्टि देना कि मेरी आंखें, मेरी दृष्टि जिधर भी जाए प्रेम का सृजन करे किंवा ज्ञान का सृजन करे, मेरी दृष्टि भी किसी को स्पर्श करे तो उसके भीतर प्रेम जागे, आनंद जागे, पुलक जागे, ज्ञान जागे। मेरी वाणी भी किसी को छुए तो परमात्मा मेरी वाणी में ऐसा अतिशय भरना कि वो सामने वाले के भीतर में प्रेम को जगाए, प्रेरणा को जगाए, ज्ञान को जगाए, उसके तनाव को दूर करे, वो क्षमता हमारे पास आए। पुच्छी सुणम के पाठ करते हुए जब दानान सिद्धम अभय पयाणम कहो तो अपने भीतर जाना और ध्यान देना कि मेरे से इस प्रकृति को क्या दान हो रहा है। अभय का दान हो रहा है, मैं अभय हूं तो मेरे से अभय का दान होगा, मैं प्रेमी हूं तो मुझसे प्रेम का दान होगा, और मैं खुद दुखी हूं तो मुझसे कोई प्रेम और अभय का दान नहीं हो सकेगा। हम अभय दाता बने, हमारे से सांस भी निकले तो वातावरण में से भय को दूर करने वाली बने, अभय का सृजन करने वाली बने, ऐसी अवस्था हमारे अंदर प्रकट हो, यही परमात्मा से प्रार्थना। ओम शांति, ओम शांति।